मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। चीन पिछले कुछ समय से कई मुद्दों को लेकर विवादों में है। चीन में राष्ट्रीय दिवस पर अपने कई विमानों को ताइवान के क्षेत्र में भेजा था, जिसके बाद से ताइवान की राष्ट्रपति ने कड़ी आपत्ति जताई है। चीनी सेना ने दादागिरी की सारी हदें पार करते हुए ताइवान के एयर डिफेंस आर्टिफिकेशन जोन के एक साथ 52 फाइटर जेट भेजे हैं। इसके बाद फिर 4 फाइटर जेट भेजे हैं। 4 दिनों में चीन ने 149 फाइटर जेट ताइवान के एयर डिफेंस जोन में भेजे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि चीन की इस सीनाजोरी के जवाब में अब ताइवान ने जंग की तैयारी का ऐलान कर दिया है। चीन और ताइवान के बीच जारी इस तनाव से दक्षिण चीन सागर में युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। ताइवान से चीन को चेतावनी देते हुए कहा है, ताइवान ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि चीन अपने युद्धक विमानों की घुसपैठ के बाद द्वीप पर कब्जा करता है तो क्षेत्रीय शांति के लिए विनाशकारी परिणाम होंगे। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने चीन को चेतावनी देते हुए यह बयान दिया है। इंग वेन ने कहा है कि चीन ने अगर ताइवान पर कब्जा किया तो पूरे एशिया में इसके गंभीर और विनाशकारी परिणाम होंगे। उन्होंने कहा कि ताइवान सैन्य टकराव नहीं चाहता है, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा उसे करने से ताइवान नहीं चूकेगा। भाई ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने चेतावनी दी है कि उनका देश अब चीन के साथ जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से इसमें मदद मांगी है। ताइवान ने ऑस्ट्रेलिया से अपील की है कि वह खुफिया जानकारी साझा करना तेज करे और सुरक्षा सहयोग करे। ताइवानी विदेश मंत्री ने घोषणा की है कि अगर चीन वास्तव में हमला करता है तो ताइवान उसका करारा जवाब देने के लिए खुद को तैयार करेगा। वहीं पिछले कुछ समय से एलएसी पर भारत के साथ भी तनातनी को लेकर चीन सुर्खियों में रहा है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने बड़ी जानकारी देते हुए कहा है कि चीनी वायुसेना के जवान अभी भी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के 3 एयर बेसों पर मौजूद है। अगर वे किसी भी तरह की अवैध गतिविधि करते हैं तो हमारे जवान इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं लद्दाख के पास चीनी वायुसेना की क्षमताओं के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हमारे जवान द्वारा कई ऊंचाई वाले मिशन शुरू करने के बाद चीन की क्षमता कमजोर होगी। चौधरी ने यह भी कहा कि राफेल अपाचे के शामिल होने से हमारी युद्ध क्षमता में काफी इजाफा हुआ है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच हुई पनडुब्बी परमाणु डील को लेकर भी चीन अपने बयान के चलते चर्चा में था और अब मलेशिया ने चीन के राजदूत को तलब किया है। मलेशिया ने साउथ चाइना सी में कुआलालंपुर के विशेष आर्थिक क्षेत्र में चीनी जहाजों की उपस्थिति और गतिविधियों को लेकर आपत्ति जताई है। हालांकि इस बारे में कोई बात नहीं की गई है कि वहां कितने जहाज मौजूद थे और ये घटना किसी दिन घटी थी, किस दिन ये घटना घटी। दरअसल मलेशिया के विदेश मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा है कि चीन के जहाजों के साथ एक सर्वे बोट भी शामिल थी और ये मलेशियाई राज्यसभा और सरवाक के तटों पर काम कर रही थी। इस बयान में आगे कहा गया कि यह साफ तौर पर संयुक्त राष्ट्र के 1982 के समुद्री कानून का उल्लंघन मलेशिया के मामले में जो एक्शन ले रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित है और यह एक्शन मलेशिया के जल क्षेत्र की संप्रभुता और अधिकारों की रक्षा के लिए लिया गया है। मलेशिया इससे पहले भी इस जल क्षेत्र में अतिक्रमण का कड़ा विरोध करता रहा है। दरअसल चीन लगभग पूरे साउथ चाइना सी को अपना बताता है, मगर मलेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, ताइवान और वियतनाम उसके दावे का विरोध करते हैं। हाल के वर्षों में चीन ने इस विवादित जल क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को तेज किया है। चीन ने यहां कृत्रिम द्वीप बनाए हैं, यहां सैन्य चौकियों की स्थापना भी की है। चीन कहता है कि वो ऐसा शांतिपूर्ण उद्देश्य के चलते कर रहा है।
लगातार अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ा रहा है, इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अचल कुमार मल्होत्रा जी हैं, जो कि एक्स डिप्लोमेट है। सर बहुत स्वागत है आपका। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी हमारे साथ हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। सर आपका भी बहुत स्वागत है। विनोद दत्ता जी, आपसे मैं इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। विनोद जी, चीन जो है वो अपनी विस्तारवादी नीति को अभी भी समाप्त करने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि उसे और बढ़ाता जा रहा है। इससे पहले हमने देखा कि एलएसी पर तो तनाव बरकरार ही है, साथ ही साथ अब ताइवान पर भी कब्जा करने की उसकी जो नीयत है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आपको ये पता ही होगा कि जिस तरह से जो चीन है वो किस तरह से पूरे साउथ चाइना को अपना बताता है, मगर मलेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, ताइवान और वियतनाम उसके दावे का विरोध करते रहते हैं। क्या है ये विस्तारवादी नीति और क्यों चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा? सर, ना सिर्फ ये देश बल्कि भारत भी एलएसी पर इसको कहीं ना कहीं झेल रहा है। नेहा, देखिए, ये बिल्कुल बात साफ हो गई है कि चीन की जो विस्तारवादी नीति है, या मैं तो कहूंगा कि चीन को ईस्ट इंडिया कंपनी का दर्जा भी अगर दिया जाए तो कोई गलत नहीं होगा। क्योंकि देखिए, चीन की जो बाउंड्री है वो करीब 13-14 कंट्रीज से उनकी मिलती है, और उसका जो विवाद है वो करीब 23 कंट्रीज के साथ है। चीन के पास खुद अपना इतनी जमीन नहीं है जितनी वो क्लेम कर रहा है पूरे इंटरनेशनल लेवल पे। और आपने जिन देशों का नाम लिया, चाहे वो इंडोनेशिया हो, ब्रुनाई हो, जापान हो, वियतनाम हो, हर एक के साथ उसने इस तरह की जो लैंड डिस्प्यूट्स हैं वो बना रखे हैं। वो एक तरह का एक ऐसा भू माफिया उभर के आ रहा है विश्व स्तर पे कि वो जहां भी कोई इस तरह की कोई लैंड या स्ट्रेटेजिक लैंड जहां उसे दिखाई देती है वो उसको हड़पने की कोशिश करता है। दूसरा, उसका जो जो डेट ट्रैप है, जिसे कहते हैं मूला मंत्र, वो क्या करता है कि जो कंट्रीज, जैसे आप पाकिस्तान में देखिए, आप श्रीलंका में हम्बन तोता देखिए, बांग्लादेश में भी वो पैर पसार रहा है, नेपाल पे भी उसने डोरे डालने की कोशिश की थी, तो वो एक इस तरह की विस्तारवादी नीति अपना रहा है जहां वो अपने जो ऑक्टोपस की तरह हर एक जगह उसने अपने पैर पसार रखे हैं। और लैंड डिस्प्यूट उसने, आप ये देखिए, रशिया, हालांकि उनके रिश्ते सुधरते हुए जा रहे हैं, लेकिन रशिया के साथ भी उनका व्लादिवोस्टोक या उस एरिया में उनका विवाद है। चाहे आप मंगोलिया देख लीजिए, तो चाइनीज ऑक्यूपाइड मंगोलिया है, मंचूरिया है, किसी भी देश को आप देखिए, तिब्बत को उसने पूरा अपने कब्जे में कर रखा है। तो जिस तरह की उसकी जो डिस्प्यूट्स हैं या जिस तरह के उसके लैंड क्लेम्स हैं, जापान में आप सेंकाकू आइलैंड्स देख लीजिए, तो वो एक उसकी जो डिजाइन है, क्योंकि उसने एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है जिसमें वो 2050 तक सुपर पावर बनना चाहता है जी। और वो इसकी तरफ अग्रसर बड़ी वेग से, बड़ी तीव्रता से और बड़े सुदृढ़ तरीके से बढ़ रहा है। और इसको अगर जो विश्व की डेमोक्रेसीज हैं अगर वो साथ नहीं आई तो चीन को रोकना मुश्किल हो जाएगा। विश्व की डेमोक्रेसी कैसे साथ आएगी बल्होत्रा साहब, और ये कितना जरूरी के आप ये बताइए कि अभी फिलहाल जो हालात और जो स्थितियां हैं, इसमें जो ताइवान के विदेश मंत्री है जोसेफ ने ये चेतावनी दी है कि उनका देश अब चीन के साथ जंग लगने के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहा है, और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है कि ऑस्ट्रेलिया इसमें मदद करे, उन्होंने मदद की मांग भी की है ऑस्ट्रेलिया से। कई देश इससे प्रताड़ित है सर। इससे पहले हमने खुद की अगर हम बात करें तो एलएसी पे जो उसने तनावपूर्ण माहौल बना रखा है चीन ने, उससे हम भी परेशान हैं, वो खुद भी परेशान है, लेकिन बावजूद इसके जो उसकी विस्तारवादी नीति है, जिस बात का जिक्र अभी विनोद सर कर रहे थे, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में कैसे बाकी देशों का समर्थन मिलेगा और ये कितना जरूरी है? देखिये नेहा जी, थोड़ा सा संक्षेप में आपको 20-30 साल पुराने इतिहास में जाना पड़ेगा जी। पिछले 20-30 साल में हुआ ये है कि चाइना ने अपनी एक इमेज प्रोजेक्ट करी थी कि वो इकोनॉमिक जो है अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना चाहता है, और उन्होंने एक पॉलिसी, जो शिपिंग के जो प्रेडिसेसर्स थे, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी कि लाई लो एंड हाइड योर स्ट्रेंथ, और अपने वक्त का इंतजार करो। लेकिन जब से शिपिंग आए हैं उन्होंने खुल के बोला है कि समय आ गया है कि चाइना को एक सेंट्रल पावर बनना है, पूरे विश्व में उन्हें एक अपना ग्लोबल रोल अदा करना है, और वो अपने मिलिट्री पावर और इकोनॉमिक पावर के बलबूते पे कर रहे हैं। देखिए, ये भी हकीकत है कि पिछले 30 साल में पूरी दुनिया
जिसमें भारत भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है, यूरोप भी शामिल है, सबने चाइना को सो कॉल्ड जो बोलते हैं ना उनका पीसफुल राइज ऑफ चाइना, इसका तहे दिल से उन्होंने वेलकम किया, उसके साथ इंटरेक्ट किया और वेस्टर्न इकोनॉमिक इंटरेस्ट के चलते सबने चाइना को समर्थन दिया, चाइना के साथ इंटरेक्ट किया, करोड़ों अरबों रुपए का उसका बिजनेस बढ़ा। जैसे विनोद जी ने भी बताया आपको, चाइना की दो टू प्रॉन्च्ड अप्रोच है उनके विस्तारवाद को लेके, या उनके कोई इकोनॉमिक और मिलिट्री एम्बिशन है, या दुनिया की सुपर पावर बनने की दिशा में वो सोच रहे हैं, वो दो तरीके से हो रहा है। एक तो जहां पॉसिबल है वो मिलिट्री पावर के दम पे वो इंक्रोचमेंट करते हैं, जमीन साउथ चाइना सी में जैसे वो आइलैंड्स डेवलप कर रहे हैं, आइलैंड्स पे कब्जा कर रहे हैं, या फिर वो डेप्थ ट्रैप पॉलिसी के हिसाब से जितनी भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उनको वो कैप्चर कर रहे हैं। विनोद जी ने बड़ी विस्तार से आपको बताया। अब सवाल ये है कि पिछले कुछ सालों में जैसे खासतौर से कोरोना के बाद जब वुहान वायरस के कॉन्टेक्स्ट में, या जैसे जैसे अब दूसरी देश के जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं उनको इस बात की रियलाइजेशन होने लगी कि चाइना का ये सो कॉल्ड पीसफुल राइज नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है, ना तो ये डेमोक्रेसी में विश्वास रखता है, ना रूल ऑफ लॉ में विश्वास रखता है, और ये आने वाले वक्त में जो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है, ऑलरेडी बन चुका है। और ये जैसे आपने देखा साउथ चाइना सी में भी एक इंटरनेशनल कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी आर्बिट्रेरी जो उसमें फिलीपींस के क्लेम को, इसने उसको भी नकार दिया। तो अब इस चीज की रियलाइजेशन हो गई है। अब सवाल ये है कि 20 साल से जो आपने चाइना को इंगेज किया उसके ऊपर बहुत सारे जो की एरियाज हैं, चाहे वो सप्लाई चेन हैं, चाहे वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, इकोनॉमिक है, इन सब में जो आपने उस पर डिपेंडेंस अपनी क्रिएट कर ली, अब उसको धीरे 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 ही हटा पाएंगे। अब सहमति तो सब में है कि भी डेमोक्रेसीज हैं, डेमोक्रेटिकली सोचने वाली दुनिया भर में ताकते हैं, वो सब इस बात को रियलाइज कर चुकी हैं कि चाइना एक खतरा है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से सहमति नहीं है कि इस खतरे को कैसे जूझा जाए। इस दिशा में पहला जो विजिबल आप कह सकते हैं कि एक स्टेप लिया गया है वो है वो क्वाड, जिसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए ने मिलकर एक ग्रुपिंग बनाई है। ये ग्रुपिंग सभी जानते हैं कि ये पहले से थी, लेकिन इसका 2017 में रिवाइवल चाइना को मद्देनजर रखते हुए ही किया गया। शुरू शुरू में ऐसा लग रहा था ये एक मिलिट्री ग्रुपिंग है और इसका एक ही पर्पस है कि साउथ चाइना सी में, इंडियन ओशन और इंडो पैसिफिक ओशन में एक फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और रेजिलियंट जो है माहौल बनाया जाए। लेकिन ये देखिए, ये बड़ी बड़ी ताकतें भी अभी इस बात से कतरा रही हैं, वो नहीं चाहती कि चाइना को ये मैसेज जाए कि ये उनके ये एंटी चाइना ग्रुपिंग है। अब पिछले कुछ जो दो एक मीटिंग हुई, पहले वर्चुअल मीटिंग हुई हेड ऑफ स्टेट्स की, अब उसके बाद इन पर्सन मीटिंग हुई, तो वहां से मैसेज यही देने की कोशिश की जा रही है कि नहीं, इसका सिक्योरिटी तो एक आस्पेक्ट है बट हमारा बहुत ही लार्जर एजेंडा है। संक्षेप में मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में इस बात की रियलाइजेशन है कि चाइना पूरी दुनिया के लिए धीरे 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 खतरा बन रहा है, इसकी इकोनॉमिक और मिलिट्री विस्तारवाद को रोकना है, लेकिन इस बात पे पूरी तरह सहमति नहीं है कि पिछले 30 साल में जो हमने चाइना को इंगेज किया है, जो इतने लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है चाइना में, अब इस स्थिति से धीरे धीरे कैसे निकला जाए। और प्रिस्क्रिप्शन इसकी एक ही है, अगर इस स्थिति से धीरे धीरे कैसे निकला जाए ये भी वाकई यहाँ पर सोचने की जरूरत है। लेकिन विनोद दत्ता जी, सवाल इस बात को लेकर भी है सर, हम एलएसी पर अब और कितनी मजबूती वहां पर भारत की तरफ से की जानी चाहिए, क्योंकि जो स्थितियां हैं वो तनावपूर्ण हैं, और न सिर्फ अभी से बल्कि हम पिछले 1 से 1.5 साल की बात करें तो जो जो वहां पर घटा, या जितने दौर की बातचीत हुई, जितने दौर की बातचीत दोनों देशों की तरफ से हमने संपन्न करने की कोशिश की, सफल बनाने की कोशिश की, लेकिन नतीजा तो सिफर ही रहा, अभी भी तनावपूर्ण माहौल है। अब किस तरह की स्थितियां आगे बढ़ाने की जरूरत है, या फिर जो तैयारियां हैं उनको और ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है, ताकि कम से कम जो चीन है उसका और ज्यादा मनोबल ना बढ़े, ताइवान जैसी स्थिति ना हो, क्या कुछ तैयारियां करें सर वहां पर? देखिए, तैयारी तो भारत ने काफी की है, लेकिन हमारे यहाँ क्या अक्सर देखा जाता है कि हम लोग रिएक्टिव हैं हर एक चीज में, हमारा जो प्रोएक्टिव सिनेरियो है वो थोड़ा कहीं लैग करता है। और ये जो प्रेजेंट फेस ऑफ है, जो पिछले एक सवा साल से 1.5 साल से चल रहा है,
ये आप देखिए, इसमें भी हम रिएक्टिव ही रहे। जब चीन अंदर घुस के आ गया तब हमने अपनी कार्रवाई शुरू की। हाँ, दूसरा देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भारत ने उसके ऊपर ध्यान दिया है। पहले जनरली ये सोच हुआ करती थी सरकारों की, जो इस सरकार से पहले सरकारें थी, कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे क्योंकि चाइना उनका इस्तेमाल कर लेगा, तो वो भी एक डिफेंसिव पॉलिसी थी। अब भारत सरकार ने ये जो एग्रेसिव डिफेंस अपनाया है, उसमें आप देखिए, अगर आप लद्दाख सेक्टर में देखें तो लद्दाख सेक्टर में जिस तरह से ट्रुप डिप्लॉयमेंट हुआ है, जो वहाँ जो फॉर्मेशन थी, जो प्लेन्स एरिया से उनको उनको री इंजीनियर किया गया है, उनका जो रोल है उसको रीडिफाइन किया गया है। अगर आप ईस्टर्न सेक्टर में देखें आप, तो वहाँ जो हमारी 17 कोर थी उसको रेस किया गया है। पहले हमारे पास वहाँ 6 एडवांस लैंडिंग स्ट्रिप्स थी, अब वहाँ 8 हैं। एक हॉटलाइन को भी वहाँ बढ़ाया गया है, और इस तरह के काफ़ी जो रोड कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसको भी बढ़ाया जा रहा है। तो हमारी जो डिप्लॉयमेंट है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन हमें चाहिए कि जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, क्योंकि चाइना की ये फितरत है कि वो 3, 4, 5, 6 जगह पे इस तरह से इंट्रूजन करता है, और बाद में जब आप उसे निगोशिएटिंग टेबल पे लाते हैं तो एक जो लेस स्ट्रेटेजिक है या लो वैल्यू टारगेट है वहां से वो पीछे हट जाता है। अब आप ये देखिए, चाहे वो आपका देपसांग हो, गोगरा हो, हॉट स्प्रिंग हो, ऐसी जगहों पे वो बात करने में गुरेज करता है। चाहे आप देमचौक फनल ले लीजिए, देपसांग ले लीजिए, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिकली बड़े 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 ही इम्पोर्टेंट हैं। तो हमें चाहिए, आपने देखा होगा कि जो कैलाश रेंजेस का जो जहां वार्ताएं थी वहां एकदम तैयार हो गया वो साउथ पेगेंसो में, क्योंकि वहां उसकी उंगलियां दबी हुई थी, वहां स्ट्रेटेजिकली वो बड़ा वीक था। क्योंकि अगर कैलाश रेंजेस पे भारत की डोमिनेंस रहती है तो मॉल्डो गैरिसन से वो लद्दाख को थ्रेटन नहीं कर सकता, और उसके जो डिफेंसेस हैं वो बिल्कुल अनटेनेबल हो जाते हैं। तो चीन की जो ये मेंटालिटी है उसे हमें तोड़ना है, और चीन को ये पता भी लग गया है, ये बिल्कुल साफ हो गया है। क्योंकि जिस तरह का ट्रुप इंडक्शन, जिस तरह का अपना इक्विपमेंट डिप्लॉयमेंट, और जिस तरह की री इंजीनियर्ड फोर्सेज वहां भेजी गई है, वो बिल्कुल साफ करती है। और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज हमारा ये है कि हमारे जो ट्रुप्स हैं वो 24/7 365 डेज बैटल हार्डन्ड है, वो इन हाइट बैंड्स पे पहले ऑपरेट कर चुके हैं। और चीन में आप देखिए कि पीछे आपने देखा होगा न्यूज भी और खबरों में भी आया था कि वहां जो कॉन्स्क्रिप्शन आर्मी है, क्योंकि वहां वो कंटिजेंसी पोजिशन होल्ड करते थे, 1/3 ट्रुप्स रहा करते थे, और वो लोग भी कोई रेगुलर ट्रुप्स नहीं थे, तो किसी को कोई नाक से खून निकल रहा है क्योंकि वो एक्लेमेटाइज नहीं थे। तो अब वो उनके लिए जो हॉट वेदर अप्लायंसेज हैं उनको भी कर रहा है, सेंट्रली हीटिंग अरेंजमेंट्स कर रहा है, और जो बंकर्स वगैरह हैं, और अपना जो डिफेंस सिस्टम है उसको काफी वो मजबूत कर रहा है। क्योंकि चाइना को मालूम है कि एयरफोर्स के मामले में भारत की थोड़ा सा कॉम्बैट एज है चाइना के ऊपर, हालांकि हमारी न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी उतनी नहीं है, लेकिन हमें जो कॉम्बैट एज है, जो हमारा वेपन डिलीवरी सिस्टम है या जो हमारे एयरफील्ड्स है, वो इस तरह लोकेटेड है कि हम ज्यादा जो वेपनरी है या जो हमारा एम्युनेशन है या TNT कंटेंट है उसको हम डिलीवर कर सकते हैं चाइना में। जी बिल्कुल। तो चलिए उत्तरा जी, ब्रेक पे जाने से पहले आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि अगर चीन के खिलाफ तमाम और देश साथ में आते हैं तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जाएगा चीन में कि भाई जो और तमाम जो देश है वो एंटी चीन है, लिहाजा यही वजह है कि एकजुटता कहीं ना कहीं दिखाने से जो देश है वो परहेज करते हैं। अब सवाल इस बात को लेकर है सर, जो ताइवान में माहौल है, जो LAC पे माहौल है, अगर चीन इसी तरह से विस्तारवादी नीति को अपना आगे बढ़ाता रहेगा और तमाम देशों का समर्थन नहीं मिलेगा तो क्या चीन का मनोबल और ज्यादा नहीं बढ़ेगा? और ऐसे स्टेज में जब इस तरह की मंशा चीन रखता है तो एकजुटता कितनी अहम हो जाती है, और कैसे मिलेगी एकजुटता अगर सभी देश ये सोचने लगे कि हम एंटी चीन संदेश ना दें? नहीं बिल्कुल, देखिए ये जमीनी हकीकत है, आप इसे डेमोक्रेसी की कमजोरी भी कह सकती हैं। और जैसे मैंने बताया, अभी इकोनॉमिक वेस्टेड इंटरेस्ट इतने स्ट्रांग है, आने वाले कुछ साल, कई साल लगेंगे चाइना पे अपनी डिपेंडेंस कम करने, वहां जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहां से बाहर निकलने में। बहरहाल ये क्वाड है, इसकी फॉर्मेशन एक सिग्नल है, एक मैसेज है चाइना के लिए, और चाइना भी जो इस समय जैसी हरकतें कर रहा है जिससे वो ये मैसेजिंग दे रहा है कि आप उसे धमका लीजिए, डरा लीजिए, लेकिन चाइना अपनी जगह से डस से बस होने वाला नहीं है। अब जो $1 बिलियन सवाल ये है, कल को चाइना वास्तव में अगर ताइवान पे अटैक करता है तो कितनी फोर्सेस, कितनी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं
अमेरिका क्या इंटरवीन करेगा मिलिट्री, या कोई दूसरा इंटरवीन करेगा मिलिट्री, या फिर ये वैसे ही हो जाएगा जैसा कि अभी अफगानिस्तान में हुआ, लोग मिलेंगे न्यूयॉर्क में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स होंगी, रेजोल्यूशन पास किए जाएंगे। अभी तक तो किसी बड़े देश ने चाइना की वन चाइना पॉलिसी को भी नहीं नकारा, ये सिर्फ भारत है। भारत ने अपने ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया कि हम वन चाइना पॉलिसी को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लेकिन पिछले कई सालों से अगर आप स्टेटमेंट्स उठा के देखेंगी तो हमने उसमें उसका जिक्र करना बंद कर दिया है। बहरहाल बहुत जरूरी है कि एक कोलिशन ऑफ डेमोक्रेसीज बने, वो स्ट्रांग हो और वो दिखाए कि वो ऑन ग्राउंड एक्शन लेंगे। मीनवाइल अगर, लेकिन एक जो मेरी प्रिस्क्रिप्शन रही है वो यही रही है हमेशा कि सिस्टमैटिकली अगर हम चाइना की इकोनॉमी को कमजोर कर देते हैं, वो बहुत से तरीके हैं, आप वहां से वॉकआउट करिए। लेकिन सर इतना आसान नहीं है मल्होत्रा जी, इतना आसान है क्या? चीनी एप्लीकेशन को हमने बैन कर दिया। मैं तो आपसे पहले ही कह रहा हूँ, इससे 5-30 साल की डिपेंडेंस जो है 30 दिन में नहीं हटेगी आप, बट यू हैव टू स्टार्ट, किसी दिन तो शुरू करना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर आप दादागिरी उसकी झेलते रहेंगे। और ये ताइवान है, हांगकांग है, साउथ चाइना सी है, ये जितना भी एरियाज हैं ये फ्लैश पॉइंट्स हैं, और इन फ्लैश पॉइंट्स में पिछले साल 1.5 साल से इंडिया चाइना का जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो भी ऐड हो गया उसके अंदर, तो उसमें भी वो नहीं हुआ था पिछले कई सालों में जो 1.5 साल पहले हो गया वहां पे गलवान घाटी में। तो ये चीजें हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब ओवरनाइट हो जाएगा, बट अगर आपको, या तो फिर वर्ल्ड वॉर की बात कर रही हैं आप कि चाइना के ऊपर सब लोग एक साथ हो जाए और मिलिट्रली उसका कोई सोल्यूशन निकाले, मुझे नहीं लगता वो पॉसिबल है। मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ, कल अगर चाइना एग्रेशन दिखाएगा होगा यही कि यूएन रेजोल्यूशंस पास होंगे, बट अगर आपको लॉन्ग टर्म में चाइना को कंटेन करना है, एक ही तरीका है, आप धीरे 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 उसकी इकोनॉमी पे प्रहार कीजिए, उसे कमजोर करिए, उसकी इकोनॉमी कमजोर होगी तो उसकी मिलिट्री कमजोर होगी, ये दोनों चीजें कमजोर होगी तो उसका प्रभुत्व और उसका जो इन्फ्लुएंस करने की ताकत है वो कम होगी, और कोई तरीका नहीं है, समय बहुत लगेगा। ठीक है सर, क्योंकि हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में, एक आखिरी रिएक्शन मैं विनोद जी से लेना चाहूंगी। सर ये बताइए कि क्योंकि अब ठंड का मौसम है, धीरे धीरे करके जब दिसंबर का मौसम आता है या फिर जनवरी का मौसम आता है, उस वक्त एलएसी में किस तरह का माहौल होता है और वहां पर सैनिकों की तैनाती वो कितनी मुश्किल हो जाती है सर? देखिए नेहा जी, जिन हाइट्स पे हम ऑपरेट कर रहे हैं वो एक खुद में ही एक चैलेंज है, बड़ा इनहॉस्पिटेबल टेरेन है, बहुत सर्दी हो जाती है। और अगर आपको याद हो कारगिल में तो कुछ विंटर वेकेटेड पोस्ट हुआ करती थी, जिसमें दोनों देशों के बीच में ये टेसिट अंडरस्टैंडिंग होती थी कि हम सर्दियों में इन पोस्ट को खाली कर देंगे, आप पीछे चले जाइए और हम भी पीछे चले जाएंगे। बिल्कुल। पाकिस्तान ने वहां हमें धोखा दिया, तो उसके बाद हमें भी अपनी थोड़ी पॉलिसीज में बदलाव किया। तो वहां जो टेम्परेचर्स है वो बहुत बिल्कुल सब जीरो हो जाते हैं, -20, -25, -26, -30 तक चला जाता है। तो वहां सर्वाइवल एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा देखिए, एडवांस विंटर स्टॉकिंग करानी पड़ती है करीब 6 से 8 महीने तक की, उसमें आपका सारा राशन, गोला बारूद और भी सारी हॉट वेदर अप्लायंसेस, क्योंकि वहां अपने आप को, अपने शरीर को गर्म रखना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो इन दिनों दर्रे सारे बंद हो जाते हैं, एयर मेंटेनेंस शुरू हो जाती है, हवाई जहाज से रसद पहुंचाई जाती है, और दोनों देशों की सेनाओं के लिए जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो काफी बढ़ जाती है। तो भारत ने तो अपना जो इस साल का विंटर स्टॉकिंग है वो बखूबी कर लिया है, और भारत कई सालों से ये करता आया है लद्दाख सेक्टर में। चीन के लिए एक काफी बड़ा चैलेंज है, और चीन के लिए क्योंकि ऐसी रिपोर्टें भी देखने को मिली थी कि वहां खासकर उनके जो ट्रुप्स हैं वो बिल्कुल कंडीशन नहीं है वहां रहने के लिए, क्योंकि वहां जिस तरह के टेम्परेचर हैं वो ऑपरेट नहीं कर सकते। हमारे ट्रुप्स जो है वो बैटल हार्डन्ड है, बैटल इनोकुलेटेड है, और चीन के लिए कहीं ना कहीं चुनौती है। बहरहाल चलिए, बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का, आप इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े और विस्तार से इस विषय पर चर्चा की। इसी के साथ ये जरूर कहा जा सकता है कि चीन भले ही अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ा रहा हो, लेकिन चुनौतियां चीन के सामने भी बहुत ज्यादा है। मुद्दा में इतना ही, नमस्कार।